हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्पीच स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री के 6 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल, क्योंकि बच्चों आज आपका 2 बजे से केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम है। तो ऐसे में आपको रिविजन कर लेना है, न्यूमेरिकल आपको पढ़कर जाना है, शायद आपके बोर्ड एग्जाम में यही न्यूमेरिकल आ जाए या फिर इन सूत्र से रिलेटेड आपको बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल फंस जाए और आपके नंबर अच्छे से पक्के हो जाए। तो देखिए बच्चों, हम सभी न्यूमेरिकल को ध्यान से समझेंगे और आपको भी समझ लेना। देखिए पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, आपको इसको ध्यान से समझिए। 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का मतलब होता है बच्चों NaCl। क्या होता है? NaCl, यानी कि 5 ग्राम NaCl 200 ml जल में घुला है, 200 ml जल में क्या है, घुला हुआ है। तो बिलिन की मूलता की हमें गणना करना। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहां पर एक हेडिंग लगाएंगे गिवन, यानी कुछ हमें इसमें मान जो है दिए गए हैं, यानी कि इतने ग्राम सोडियम क्लोराइड, यानी कि यहाँ पर W यानी कि भार का मान दिया गया है 5.85 ग्राम दिया गया, ये भार दिया गया। अब बच्चों NaCl का अणु भार और इसका देखिए बिलिन का आयतन जो दी गई 200 ml जल में घोला गया, यानी कि B का मान दिया गया बच्चों 200 ml। ठीक है, इस ml को हम करेंगे बच्चों किस में, लीटर में कन्वर्ट करेंगे। जब आप इसको ml को लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 200/1000 से हम भाग देते हैं, ऊपर कोई भी संख्या हो सकती है जितना ml की बात की जाए, तो क्या हो जाएगा 1/5, 2×1=2, 2×5=10, यानी कि बच्चों 1/5 हो गया हमारा। अब इसको लगाएंगे दशमलव, यहाँ पर बढ़ा देंगे 0, 5×2=10, यानी कि 0.2 liter आ गया। इसका आयतन हमारा कितना आ गया, 0.2 liter। अब बच्चों हम क्या करेंगे, NaCl का अणुभार निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सोडियम क्लोराइड जो होता है NaCl का अणुभार का अणु भार। बच्चों NaCl का जो अणुभार आएगा वो कितना आएगा, Na का कितना होता है परमाणु क्रमांक 11 होता है और इसका अणुभार कितनी होती है, द्रव्यमान संख्या 23 होती है, प्लस बच्चों Cl का कितना होता है 17, इसका परमाणु क्रमांक होता है और इसका द्रव्यमान संख्या होती है 35.5। ठीक है, 35.5। अब जब आप इन दोनों मानों को जोड़ दोगे ना, 35.5 + 23 को जब जोड़ोगे तो आ जाएगा 5×3=8 और 5 58.5 आ जाएगा। यानी कि बच्चों यहाँ पर जो NaCl का अणुभार आया है वो आपका 58.5 आ गया। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन का क्या करना है, आंसर लिखना है। तो इसके लिए हमें मोलरता इक्वल टू, मोलरता को बच्चों एम से प्रदर्शित कर देते हैं। तो एक सूत्र होता है M=, अगर कोई भी जो भी हमारा पदार्थ दिया गया है, जो भी चीज़ दी गई है उसका आपको भार लिखना रहता है। यानी कि हमें यहाँ पर दिया गया NaCl का भार, NaCl का भार अपॉन में होता है उसका अणुभार, क्या होता है भार अपॉन में अणुभार, और बटे क्या होता है उसके बिलियन जो दिया गया उस बिलियन का आयतन होना चाहिए, यानी कि बिलियन का आयतन। अब बच्चों जो बिलियन का आयतन होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, L4 liter में होना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम इसमें मान रखते हैं। देखिए बच्चों, तो M=, मोलरता M=, Na का भार बच्चों कितना दिया गया, NaCl है जो इसका भार कितना दिया गया 5.85 बटे बच्चों इसका कितना होगा अणुभार, कितना आया 58.5। ठीक है, बटे बच्चों इसका आयतन कितने आया है लीटर में, वो आया 0.2। ठीक है, लीटर आ गया। अब देखिए यहाँ पर 1, 2 संख्या के बाद दशमलव, इधर 1 संख्या के बाद, इस दशमलव को भी हटाएंगे, इस दशमलव को भी हटाएंगे, यहाँ पर हम एक 0 बढ़ा लेंगे, क्या करेंगे एक 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, इसके 585, 585, 1 585, यानी कि 1 बचेगा और 1 जाएगा और 1 0 हमारा 1/10 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा जो बचा क्या 1/10 बटे हमारा बचा 0.2। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, यानी कि जो 1/10 इसके बटे में अगर आप 1 मान लेंगे तो इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी, इसकी इसके साथ हो जाएगी, यानी कि ऊपर क्या चला जाएगा हमारा M=2 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए M=1 हो जाएगा, ऊपर 1 चला जाएगा, इधर हमारा 10 है गुणे 0.2, आप 1/0.2 यानी कि जब आप इसकी गुणा करोगे तो अगर आप गुणा करिएगा 0.1 यानी दशमलव से दशमलव 0 कैंसिल, यानी कि 2 आ जाएगा, कितना जाएगा 2, अब 1/2 है लगाएंगे दशमलव, ऊपर बढ़ा देंगे 0, 2×5 हमारा 10 हो जाएगा, यानी कि M=2 आपका M का जो मान आ जाएगा 0.5 और जो आ जाएगा आपका इसका मात्रक मोल प्रति लीटर हो जाएगा इसका मात्रक हमारा।
तो इस तरीके से हमने इसकी पूरे की अच्छे से मोलरता निकाल ली, ठीक है। तो इस तरीके से आप मोलरता निकाल सकते हो, या फिर मोलरता का एक सूत्र जो शॉर्टकट में हमने आपको पढ़ाया था, W अपॉन ई इंटू में बी होता है, ये वाला भी इस सूत्र से भी आप लोग निकाल सकते हो। तो आइए हम इससे भी आपको एक बार निकाल के बता देते हैं ताकि आपको वहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। देखिए यहाँ पर W का मान कितना दिए गए, 5.85 दिया गया, इंटू में क्या हो गया, ई का मान कितना है, ई का मान मतलब होता है द्रव्यमान संख्या, 58.5 हो जाएगा, इंटू में वी का मान कितना है, 1.02 है, ठीक है। अब बच्चों देखिए इस वाले संख्या से वही हाल इस यहाँ पर भी होगा, यहाँ का हम दशमलव हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे, 58, 51, 58, 57, ठीक है, यानी कि ऊपर एक बचा और नीचे क्या बचा, 10 × 0.2 बचा। अब हमारी ये वाली कंडीशन यहाँ पर डायरेक्टली आ गई, तो इस तरीके से भी आप सॉल्व करोगे आंसर उतना ही आएगा। और सबसे अच्छा मोस्टली रहेगा कि आप ये वाला सूत्र याद रखो और आसानी से आप हर एक न्यूमेरिकल को जिसमें भी मोलरता पूछी जाए उसको आप हल कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। अगला देखिए बच्चों न्यूमेरिकल, अगला देखिए दूसरा वाला न्यूमेरिकल कहा जा रहा है जिसमें 30 ग्राम यूरिया को, हमारी 30 ग्राम यूरिया है उसको 250 ml बिलियन में घोला गया है, तो बिलियन की मोलरता की गणना करना, यानी कि 30 ग्राम यूरिया है इसको 250 ml बिलियन में घोला गया है और हमें इसकी मोलरता की गणना करना, तो हम करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को भी सॉल्व, ठीक। नीचे हेडिंग भी लगाएंगे क्या बच्चों, गिवन, यानी कि हमने गिवन हेडिंग भी लगा ली। अब यहाँ पर हमें W का मान कितना दिया गया बच्चों, 30 ग्राम दिया गया। अब बिलियन का आयतन जो दिया गया वो ml में दिया गया, यानी कि 250 ml है। अब बच्चों मैंने आपको बताया हर एक ml को चेंज करेंगे इसमें लीटर में, तो लीटर में चेंज करने के लिए हम 1000 से बच्चों इसमें करते हैं भाग, 1060 को कर देंगे कैंसिल, 25×51 होते हैं, 25×100 होते हैं, यानी कि जो आयतन आ गया वो हमारा 1/4 आ गया, ठीक है, वो किसमें आ गया, अब लीटर में आ गया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें मोलरता यानी कि m इक्वल टू हमारा क्वेश्चन मार्क है जो कि हमसे पूछी गई है। अब हमें इसकी मोलरता जब हम निकालेंगे तो हमें सबसे पहले NH2 यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2, इसका हम क्या निकालेंगे, यूरिया या NH2CO NH2 का अणुभार, अणुभार निकालेंगे। जब बच्चों आप NH2CO NH2 का अच्छे तरीके से इसका जब अणुभार एक एक करके निकालोगे तो इसका जो अणुभार आ जाएगा वो आपका 60 आ जाएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। और मोलरता में हम सूत्र वही अप्लाई करेंगे, m इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन में ई इंटू में वी, ये वाला सूत्र आप अप्लाई करिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर W का मान कितना दिया गया, 30 ग्राम दिया गया, ठीक है। यहाँ पर E का जो मान आया है यानी कि अणुभार कितना आया, 60 आया है। अब B का मान है 1/4, ठीक है, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों 1/4 को अगर हम 2 से काटें, 2×1 = 2, अब इधर हो जाएगा 30, 30 × 2 = 60, अब इसको 2 से 15 × 2 = 30, ऐसा हो जाएगा, यानी कि अब हमारे पास इधर कुछ बचा नहीं, इधर बचा, देखिए ऊपर क्या बचा हमारा 30 बचा, नीचे क्या बचा, इधर जब इसकी काटा गया तो इधर 15 बचे गुणे हमारा 1 बचा, यानी कि ऊपर 30 बचे, नीचे 15×1 = 15 बचे, और इसको 15×1 = 15 × 2 = 30, यानी कि हमारा कितना आ गया, 2 आ गया, यानी कि यहाँ पर मोलरता m इक्वल टू हमारा आ गया 2, और मोलरता का मान हो जाएगा ग्राम प्रति लीटर, सॉरी मोल प्रति ग्राम, मोल प्रति लीटर भी आप कह सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, मोल प्रति लीटर, ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल सारे जो भी हैं वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अगला देखिए बच्चों, अगला न्यूमेरिकल कहा जा रहा है 18 ग्राम जल तथा 23 ग्राम C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल विलयन है, ठीक है। तो एथिल C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल के आपको मोल प्रभाव ज्ञात करना। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे हम, सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर दो कंडीशंस दी गई हैं, इसके आपको जल इतने ग्राम दिया गया है और एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5OH हमें इतने ग्राम दिया गया है और एक बिलियन बना हुआ है, ठीक है। इसमें बिलियन जो है इसमें C2H5OH जो 23 ग्राम है इसके हमें मोल प्रभाज भी निकालने हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके जल के मोल निकालेंगे। अब देखिए इसमें सॉल्व गिवन में अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो सबसे पहले हम जल के मोल निकालेंगे, H2O के मोल यानी कि H2O के मोल यानी कि जल के मोल, जल के मोल को स्मॉल n इक्वल टू लिख लेंगे, मोल का सूत्र होता है W अपॉन में m होता है, ठीक है। W क्या होता है, इसका भार कितना दिया गया यानी कि 18 ग्राम दिया गया, ठीक है। अब बच्चों जो m होता है इसका अणुभार होता है, अणुभार भी जल का अगर आप निकालोगे तो 18 आ जाएगा, 18×1 = 18, यानी कि इसमें आ गया हमारा 1 मोल, यानी कि जल का जो मोल है वो 1 मोल है, ठीक है। अब हम निकालेंगे C2H5OH के मोल, इसको बच्चों हम लोग मान लेंगे कैपिटल N से, ठीक है। अब इसमें भी W अपॉन M लगाना है, W का मान यहाँ पर हमारा कितना दिया गया,
23 ग्राम दिया गया अपॉन इसका, जब आप C2H5OH जो होता है कार्बन का इसका वो निकालोगे, एक देखिए यहाँ पर निकालिए, एक कार्बन कितना होता है 12, है कितने कार्बन 2, प्लस एक हाइड्रोजन का होता है 1 और है हाइड्रोजन कितने 5, प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, है ऑक्सीजन कितने 1, प्लस एक हाइड्रोजन का 1 होता है हाइड्रोजन कितने 1, 12 दूनी कितने हो जाएंगे बच्चों 24, प्लस 5 इक्कन 5, प्लस 16 इक्कन 16, प्लस 1 इक्कन 1, यानी कि 16 और 24 और 25 और 5 30 और 6 46, यानी कि 46 आ जाएगा इसका जब आप बाहर निकाल लिया। ठीक है, कितना आ गया इसका अणुभार आ गया, यानी कि जो हमारा इसका अणुभार आ गया C2H5 का 46 आ गया। अब इसको हम 46 से करेंगे भाग, तो 23 इक्कन 23 दूनी 46, 1/2 आ गया। अब 1/2 लगाएंगे, दशमलव बढ़ा देंगे 0, 2 5 10, यानी कि 0.5 मोल हमारे किसके आ गए C2H5OH के मोल जो हैं 0.5 मोल है। ठीक है, अब बच्चों में निकालना क्या है, यहाँ पर हमसे पूछा गया C2H5OH के मोल प्रभाज निकालिए। ठीक है, यानी कि C2H5OH के मोल प्रभाज हम निकालेंगे C2H5OH का मोल प्रभाज। ठीक है, अब बच्चों जिसका भी हम मोल प्रभाज निकालते हैं तो सबसे पहले हम उस वाले का मान रखते हैं, ठीक है, उसके मोल रखते हैं, फिर हम लिखते हैं विलयन में कुल मोल कितने हैं, यानी कि विलेय और विलायक के मोल, यानी कि जो हमारा विलेय है उसके भी मोल, विलायक का भी मोल, हमें टोटल मोल लिखने होते हैं। तो हम मान लीजिए हमने जो हमारा जिसके निकालने उसको हमने कैपिटल एन माना है, तो कैपिटल एन हमने ऊपर लिख लिया, जिसका भी पूछा जाता है उसको ऊपर लिखेंगे, प्लस नीचे जो लिखते हैं जो मैं 2 बिलियन दिए रहते हैं उन दोनों बिलियन का लिखते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर देखिए एन का मान कितना दिया गया 0.5 दिया गया, क्योंकि C2H5OH के मोल इतने आए हैं। अब यहाँ पर 0.5 हो जाएगा, प्लस हमारा एन के मोल जो हमारा जल है इसके मोल कितने हैं 1 मोल है। ठीक है, अब इसको 0.5 से 0.5 काट दीजिए, ऊपर क्या बचा 5, अब इधर 5 और ये कितने हो जाएंगे 6, ठीक है, इतने तो आ जाए 6 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको हम कर देंगे भाग 1.5 इधर हटाया, दशमलव उबर भी दशमलव हटा दिया, इधर भी हटा दिया, इधर हमने इनको जोड़ दिया। ठीक है, नहीं नहीं एक मिनट बच्चों, ये डायरेक्टली नहीं, क्योंकि ये जोड़ में है, ऐसे नहीं हटेगा, दशमलव इधर से नहीं हटेगा। देखिए एक मिनट, 0.5 हो जाएगा अपॉन में 0.5 प्लस 1, अब इनको पहले हम जोड़ेंगे, दशमलव 5 हो जाएगा प्लस 1. आप इसको जब जोड़ोगे तो 1.5 आएगा। ठीक है, अब इनका दशमलव हटा सकते हैं, एक ऊपर हटा दिया नीचे हटा दिया, यानी कि 5/5 हमारा बच गया 15, अब बचेगा, अब हटा सकते, क्योंकि बच्चे जोड़ में था, गुणे में होता तो हम हटा देते आसानी से। अब देखिए लगाया दशमलव, यहाँ पर एक जीरो बढ़ाया, 15 3 कितने होते हैं 45। ठीक है, फिर हमारे 5 इधर, फिर 45, फिर 5, फिर हमने यहाँ पर जीरो बढ़ाया और 15 3 45, 3 3 3 3 3 3 आता ही आता रहेगा। ठीक है, यानी कि जो हमारा C2H5OH के मोल प्रभाज का या फिर कह सकते हैं OH का मोल प्रभाज जो होगा वो क्या आ जाएगा, मोल प्रभाज इजिकल टू 0.33 आ जाएगा, ये आप लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं 0.34 भी आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि 3 3 आ रहे हैं, इनको हम 4 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इनके मोल प्रभाज जिसके भी पूछे जाते हैं सबसे पहले उसके मोल लिख लेना है, फिर बटे उसमें जो भी कंपाउंड देंगे इनके कुल मोल लिख लेना। समझ में आ गया न्यूमेरिकल। अब देखिए बच्चों अगला न्यूमेरिकल है जिसमें आपसे बच्चों कहा जा रहा है यूरिया के 0.01 मोल जेली विलयन का 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर पराशरण दाब में ज्ञात करना। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको भी करेंगे बच्चों सोल्व। ठीक है, और यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेंगे गिवन की। ठीक है, हमें जो भी मान दिए गए हैं, ठीक है, यानी कि यूरिया के 0.01 मोल। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सी का मान कितना दिया गया 0.01 मोल दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर तापमान कितना दिया गया 27 डिग्री सेंटीग्रेड की बात की जा रही है, लेकिन सेंटीग्रेड में हमें काम नहीं चलेगा, हमें यहाँ पर तापमान चाहिए रहेगा केल्विन में। तो केल्विन में इसको चेंज करने के लिए जो भी दिया रहता है उसमें हम क्या करते हैं 273 को जोड़ देते हैं। जब आप इसमें 273 को जोड़ देंगे तो 300 हो जाएगा, तो 300 हमारा आ जाएगा केल्विन में मान आ जाएगा। अब यहाँ पर पराशरण दाब को हम पाई से भी लिखते हैं, कभी कभी आपको पी से लिखा हुआ भी मिलेगा। तो हमसे पराशरण दाब पूछा जा रहा है, एक सूत्र होता है पाई इजिकल टू CRT, ये आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आप कहोगे सर आर क्या है, तो बच्चों आर जो होता है इसका एक मान कॉन्स्टेंट तथा 0.0821 होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो पराशरण दाब अब ऐसा मत करना पाई का मान 22/7 या 3.14 रख देना, क्योंकि यहाँ पर जो पाई है ये पराशरण दाब को प्रदर्शित कर रही है, चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर मान रखेंगे तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी का मान कितना है
0.01 इंटू आर का मान है 0.0821 इंटू में टी का मान है 300, कितना है 300 है। आप इन सभी की कर देना एक बार गुणा, ठीक है, इन सभी की गुणा कर लेना। देखिए यहाँ पर कितनी दो संख्या के बाद, एक दो संख्या के बाद दशमलव है, इस दशमलव को हटाएंगे तो ये दोनों हमारे जीरो कट जाएंगे, तो तीन एकम तीन बचने वाला है, ठीक है। तो देखिए अब एक बार गुणा करके मैं दिखा दे रहा हूँ, अब इसके तीन की एक में गुणा करो, तीन एकम तीन ही आ जाए, अब हमारे बचा 0.0821 इंटू में तीन बचा, ठीक है। अब पाई का मान कितना आ जाएगा, तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, आठ तीन आए चौबीस, जीरो तीन जीरो में जीरो दशमलव जो 0.624, हाँ ये आ जाएगा आपका मान आ जाएगा। अब इसके में जो यूनिट लिखना रहेगा वो आपको पता है किस क्या होती है, वायुमंडल में हम पराशर दाब को नापते हैं, तो इसका हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया इसका। तो इस तरीके से आपको पराशर दाब के न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। अगला देखिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक बिलियन जो किसी बिलियन 10 ग्राम कार्बनिक पदार्थ हैं, किसी भी बिलियन के 10 ग्राम जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो एक लीटर घुले हुए हैं, ठीक है। उस बिलियन का पराशन दाब इतना है, तो पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना। यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है, पदार्थ का अणुभार पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर नोट करेंगे सॉल्व, ठीक है, फिर हम डालेंगे गिवन। अब बच्चों में यहाँ पर गिवन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें क्या किया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि सबसे पहले हम ताप की बात करें 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड से हमें मतलब नहीं, हमें सेंटीग्रेड को चेंज करना रहेगा केल्विन में, चेंज करने के लिए जो भी डिग्री सेंटीग्रेड में दिया रहता है उसमें 273 हम जोड़ेंगे, और 0 में 273 जोड़ेंगे तो 273 ही आ जाएगा, और ये 273 हमारा हो जाएगा मान जो केल्विन में ताप हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ताप तो ये हो गया। अब बच्चों यहाँ पर पराशर दाब यानी कि पाई का मान दिया गया 1.18, यानी कि ये वाला दिया गया, ठीक है। अब इसमें अणुभार यानी कि m इक्वल टू हमसे क्वेश्चन मार्क जो कि हमसे पूछा गया है। अब यहाँ पर जो b का भी मान दिया गया, एक लीटर की बात करिए यानी कि वॉल्यूम यानी कि आयतन भी दिया गया एक लीटर है, अणुभार हमसे पूछा जा रहा है। अब बच्चों यहाँ पर एक जो मान प्रयुक्त होगा r, r का मान है 0.0821, ठीक है, जो हमारा है कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पर जो देखिए 10 ग्राम कार्बनिक पदार्थ यानी कि w का मान दिया गया है 10 ग्राम, ठीक है, इतने सारे मान दिए गए हैं और m जो है हमसे पूछा गया। अब बच्चों इतने मान तो हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सर इसमें सूत्र कौन सा लगाएंगे, तो इसमें बच्चों आप एक सूत्र लगाएंगे, पाई v इक्वल टू होता है nRT, लेकिन अब आप कहोगे सर n क्या है, n का मान तो हमें पता ही नहीं, तो n इक्वल टू किसी के मोल निकालते हैं तो उसका भार अपॉन में अणुभार लिखते हैं, तो n के स्थान पर w अपॉन m लिख सकते हैं। तो अब हमारा जो एक सूत्र इसी से फाइनली में सूत्र बन जाएगा, पाई वी इजिकल टू डब्लू अपॉन में m इंटू में RT, ए हमारा एक सूत्र बन जाएगा। इस सूत्र में हम मान रख देंगे पाई का मान कितना दिया गया 1.18 गुणे बी का मान 1 लीटर दिया गया, अब ये w जो है इसका मान 10 ग्राम दिया गया, अपॉन m जो है यही तो हमसे पूछा गया है, r का मान हमें पता है 0.0821 है, इंटू टी का मान पता है 273 केल्विन है, ठीक है। अगर हम इसमें इसकी गुणा करेंगे तो ये इतना ही आने वाला है, 1.8 इजिकल टू क्या हो जाएगा 10 गुणे 0.0821 इंटू में आपका हो जाएगा 273 बटे हमारा हो जाएगा m। अब हमें चाहिए क्या, m चाहिए, ठीक है, तो m इजिकल टू हमारा क्या हो जाएगा 10 गुणे 0.0821 इंटू में आपका 273 अपोन में आपका हो जाएगा 1.18, क्या हो जाएगा 1.18। अब बच्चों आपको करना क्या, एक काम करना आप लोग इसका जो है भाग कर लेना, बच्चों इसको क्या करना, इन वाले मान की आपको गुणा कर लेना। अब जो भी आपका मान आए, ठीक है, जो भी गुणा आए उस गुणा को क्या करना, 1.18 से भाग कर देना, और आपका जो भी आंसर आ जाए वही आपका आंसर जो है राइट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। एक गुणा आप लोग कर लेना, अगर गुणा करूँगा तो बच्चों वीडियो जो है लेंदी हो जाएगा। मेन अब आपको क्या समझना है, सूत्र समझना है, कैसे मान पुट करना, समझ में आ गया, ठीक है बच्चों। अगला न्यूमेरिकल देखिए, अगला बच्चों न्यूमेरिकल है जिसमें आपसे कहा जा रहा है 1 मोल H2SO4 बिलियन की तुल्यांक चालकता की गणना कीजिए यदि इसकी चालकता इतनी दी गई है, यानी कि 1 मोल H2SO4 बिलियन है, इसकी तुल्यांक चालकता की हमें गणना करना है, यानी कि इसकी जो तुल्यांक चालकता है वो हमें निकालनी है यदि इसकी चालकता जो है वो कप्पा इजिकल टू हमें इतना दिया गया, ठीक है। अब बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे और नोट करेंगे नीचे गिवन वैल्यूज, यानी कि इसमें जो वैल्यूज हमें दी गई हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है।
अब बच्चों यहाँ पर देखिए m इक्वल टू हमें कितना दिया गया है, देखिए हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, इसकी तुल्यांक चालकता, तुल्यांक की चालकता को लैम्डा इक्यू से हम प्रदर्शित करते हैं, जो कि हमसे पूछा गया क्वेश्चन मार्ग है। अब यहाँ पर जो है इसकी चालकता यानी कि कप्पा का मान दिया गया 26 × 10^-2, ठीक है, कप्पा का मान दिया कि 1 मोल H2SO4 है, यानी कि इसमें जो H2SO4 का मान दिया गया वो 1 मोल है। अब हमें इसकी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी बच्चों, जब H2SO4 की आप रिविल सीवी रिएक्शन बनाते हो तो क्या बनता है, H पॉजिटिव बनता है प्लस SO4 डबल निगेटिव बनता है, SO4 डबल निगेटिव बनता है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें 2 हाइड्रोजन के पास बढ़ाने रहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर 2 जो हाइड्रोजन के पास आपने बढ़ाए हैं, ये एक्चुअल में क्या है, एन का मान रहता है, एन इजिकल टू हमें कितना आ गया हमारा 2 आ गया है। अब इसमें जो हमें सूत्र लगाना रहता है वो क्या होता है, लेमडा इक्यू इजिकल टू हमारा सूत्र होता है, लेमडा इक्यू इजिकल टू होता है कप्पा इंटू में आपका 1000 रहता है अपोन में आपका एन रहता है, ये आपका जो है एक सूत्र रहता है इससे हम तुल्यांक चालकता की गणना करते हैं, ठीक है। अब लेमडा इक्यू इजिकल टू हमें क्या रहता है, कप्पा का मान हमें पता ही है कितना दिया गया, 26 × 10^-2 इंटू 1000 हो जाएगा हमारा, अपोन में क्या रहेगा, एन का मान कितना है 2 है। अब देखिए 13 दूनी कितने हो जाएंगे 26, यानी कि ऊपर क्या बचा 13 बचा, तो लेमडा इक्यू इजिकल टू हमारा क्या बचेगा, 13 × 10^-2 × 1000। अब 10^2 है, इसको हम इन 2 जीरो से कर देंगे, इसकी घातों को कैंसिल यानी कि कट गया। अब हमारे पास लेमडा इक्यू इजिकल टू क्या बच गया बच्चों, इधर हमारा 13 बच गया, इधर हमारा 10 बच गया, 13 दशमलव कितने होते हैं 130, यानी कि लेमडा इक्यू इजिकल टू यानी कि इसकी तुल्यांक चालकता आएगी वो कितनी आएगी, 130 आएगी आपकी, और यही आपका इसका जो है फाइनली में आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ये जो हमारा है इन न्यूमेरिकल पर आपको ध्यान देना, क्योंकि इस तरीके से अगर न्यूमेरिकल आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप इन सभी न्यूमेरिकल को अच्छे से सॉल्व कर दें, क्योंकि आपको कोई भी न्यूमेरिकल जो है वो छोड़कर नहीं आना, ठीक है। आपको आता है तब भी करिएगा, नहीं आता तो भी उसमें कोई ना कोई सूत्र लगाकर आपको कर ही देना है, ठीक है बच्चों, ठीक है। आई होप आपको सारे न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चन रहता है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके तुरंत हमसे क्वेश्चन पूछिएगा, अन्यथा मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, वहां से जाकर आप हमसे वीडियो चैट भी और आप वहां से हमसे चैट करके डायरेक्ट ऑनलाइन क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आई विल टेक नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।